हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस प्लांट को लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों वाला प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है और इसका नाम है इंसुलिन। बहुत ही कम लोग इस प्लांट के बारे में जानते हैं, तो चलिए इस बारे में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन प्लांट का बॉटनिकल नेम है कॉस्टस इग्नियस। ये बहुत ही ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगता है और मेडिसिनल प्लांट तो है ही सही, बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में और ये आम नर्सरीज पे नहीं मिलता है। हो सकता है ये आपको ना मिले, ये हर्बल जो नर्सरीज होती है वहाँ ज़रूर मिलेगा। ये देखिए इसकी बनावट, बिल्कुल इस तरह से बनावट होती है, स्पायरल तरीके से इसकी पत्तियाँ जो है अरेंज होती हैं, जैसे हमारी गोल घूमी हुई सीढ़ियाँ या स्टेयर्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। इसीलिए ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए आप कितनी खूबसूरत इसकी लीव्स हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है, कैसे गोल घुमा करके इसकी लीव्स अरेंज हो रही हैं। बहुत ही कम प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स इस तरह से दिखाई दें आपको, ये देखिए है ना कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो इसको आप दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स, बिलीव ही नहीं हो रहा कि कोई इस तरह के प्लांट्स का अरेंजमेंट भी हो सकता है लीव्स का। तो देखिए इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, जो मैं बताने लगूंगी तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी केयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर इसको थोड़ी सी धूप मिले और थोड़ा सा शेड मिले। कंप्लीट अगर आप धूप में रखेंगे तो इसके टिप्स बर्न होने लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा शेड में रखेंगे, ये देखिए इस तरह से इसके टिप्स बर्न होने लग जाती हैं, और बहुत ज़्यादा शेड में रखेंगे तो भी ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब आप ऐसी जगह रख सकते हैं इसको जहाँ पर इसको सुबह की थोड़ी सी 2-3 घंटे की धूप मिल जाए और दिन भर फिर इसको छाया मिल जाए। काफ़ी थिक लीव्स हैं इसकी, मतलब ऐसा लगता है जैसे सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता हो ये, पर है नहीं। मतलब इसकी लीव्स काफ़ी थिक होती हैं और काफ़ी ब्रॉड होती हैं। इसकी जो लेंथ होती है प्लांट की, 2 से 4 फीट तक लंबी जा सकती है। मतलब ये देखिए कितना, ये छोटे से गमले में लगा हुआ है फिर भी इसकी कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं। और ये जो फ्रेंड्स इसके अंदर मिट्टी के अंदर इसके जो है राइजोम्स होते हैं, मोटे मोटे बिल्कुल जैसे अदरक होता है, हल्दी होती है, बिल्कुल उसी तरह के राइजोम होते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी बात करूँ पानी की, तो आप इसको बहुत कम पानी दीजिए, डेली दीजिए। अगर मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी सूख जाए और आपको लगे कि हाँ सूखी सूखी हो रही है, तो आप पानी दीजिए, क्योंकि ये बगैर पानी के भी रह लेगा 3-4 दिन आराम से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना दूर से भी, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड इसके सॉइल की। तो सॉइल में आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ना इसको कोई ऐसा बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। बस मैंने एक ही बार में इसको फर्टिलाइज़र दे दी, 50% गार्डन सॉइल और इसके अलावा 50% मैंने इसके अंदर कंपोस्ट लिए, और वो मैंने काउडंग कंपोस्ट लिए, बस इसके सिवा मैंने इसमें कुछ डाला ही नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, किसी भी कंडीशन में ग्रो हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, एक तो हार्डी और दूसरी बात ये है कि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है। ये देखिए अभी इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, क्योंकि मैंने इसको अभी भी वॉश किया है तो मिट्टी इसकी गीली हो चुकी है। तो इतना गीला इसकी मिट्टी को नहीं रखना है, सॉगी नहीं रखनी है मिट्टी, वेल ड्रेन होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है कुछ खास चीज़ नहीं है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ फ्रेंड्स इसके फ़ायदे और ख़ासियत के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका इंसुलिन का जो प्लांट होता है ना, इंसुलिन जो होता है ना फ्रेंड, एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, वही चीज़ है ये प्लांट है। और ये ऐसे ही नहीं, मतलब इसके बारे में लोग इतना बोलते हैं, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, तब जा कर के ये मतलब जो है कंक्लूज़न निकला है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट प्लांट है। मतलब आप इसकी जो है ना एक एक पत्ती आप इसकी सुबह शाम खा लीजिए, चाहे तो आप ऐसे ही चबा के खा लीजिए और उसके बाद 1-1.5 घंटे पानी मत पीजिए, और चाहे तो इसका सुखा के इसका पाउडर बना के और आप सुबह भूखे पेट इसको ले लीजिए 1 चम्मच, तो ये शुगर को कंट्रोल कर सकता है ब्लड शुगर को। ब्लड शुगर एक्चुअली ऐसी चीज़ होती है जो पूरी तरह 100% कभी भी ठीक नहीं होती है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम इंसुलिन का जो है इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे शुगर कंट्रोल रहती है या उसकी टैबलेट्स होती हैं, तो हम इससे खाने से क्या होगा कि वो थोड़ी सी कंट्रोल में रहेंगी। हाँ, पर लेकिन ये है कि आप जब भी इसको प्लांट की लीव्स को यूज़ करें और खाना स्टार्ट करें, तो आप किसी डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लें। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, हेल्प लेने से क्या होता है कि डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर जो इसकी डोज बताएगा, क्योंकि हर एक इंसान की बॉडी अलग होती है, किसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है कुछ पता नहीं है।
तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें इसको यूज़ करने से पहले। बहुत ही खास प्लांट है, अगर आप इसको कंटिन्यूस लेते रहेंगे रोज ही तो ये ब्लड शुगर तो कंट्रोल कर ही रहा है फ्रेंड। एक्चुअली शुगर एक ऐसी चीज़ होती है जो आजकल हर घर में एक ना एक पेशेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा शुगर का, तो इसलिए ये प्लांट को आप घर में ज़रूर लगाइए और बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है ये। प्रोपोगेशन इसका जो है आप इसको कटिंग से लगाइए, राइजोम से लगाइए, बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये और भी डिजीज़ ऐसी हैं जिनके लिए ये क्योर जो है काम क्योर करने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। फीवर के लिए भी इसको काम में लेते हैं। कैंसर जो है अगर आप डेली अगर आप इसकी ले रहे हैं, अभी अभी मतलब रिसर्च से ये मालूम पड़ा है कि जो है अगर आप डेली इसकी पत्ती लेते हैं तो कैंसर की जो सेल्स होती हैं उनको ये डेवलप ही नहीं होने देता है बॉडी के अंदर। अस्थमा में ये काम आता है, लिवर की बीमारियों में काम आता है, पैनक्रियाज को बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्दी रखता है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल फिट रखता है यानी डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये, किडनी के स्टोन्स को भी मिटा देता है। इसके अंदर काफ़ी मिनरल्स और काफ़ी विटामिन्स होते हैं, इसलिए मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साथ साथ ही ये खूबसूरत भी लगता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है और इसमें चार पांच तरह के कलर के फ्लावर्स भी आते हैं और फ्लावर्स का तो क्या कहना है फ्रेंड्स, अभी इसमें आ नहीं रहा है। जब भी इसमें फ्लावर्स आएंगे, एक बड़ा सा फ्लावर आता है इसमें ऊपर टिप के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, वो भी पांच छह कलर के फ्लावर का जो है ना ये प्लांट होता है। मतलब हर प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, जैसे डहेलिया में होता है ना या गुलदाउदी में, उसी तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं। और काफ़ी बहुत ही मतलब जितना प्लांट ये खूबसूरत है ना, इसके फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये देखिए इसकी प्लांट की जो लीव्स है ना कितनी ब्रॉड और कितनी थिक है, तो मतलब ये है कि आप इसको मेडिसिनल यूज़ के लिए तो लगाएंगे, इसी ही साथ में ये ऑर्नामेंटल भी प्लांट है, तो आपके बालकनी में इंडोर में आप इसको रखिए, ऐसी जगह जहाँ इसको सुबह सुबह आपके जो है कहीं धूप आती हो किसी रूम में या डाइनिंग स्पेस वगैरह में इसको रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसमें कोई पेस्ट वगैरह भी अटैक नहीं करते हैं। मतलब इसकी लीव्स को खाने वाले ज़रूर हो सकते हैं, जैसे ग्रास ओपर है, कैटरपिलर वगैरह ज़रूर हो सकते हैं, बर्न हो सकती हैं, पर वैसे पेस्ट वगैरह मैंने इसके अंदर कभी देखे नहीं है। अगर लग भी जाएँ तो इसके अंदर आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए बस खाली, क्योंकि ये एडिबल प्लांट है। और इसके अलावा सर्दियों में बस इतना सा ख्याल रखना है आपको कि आप जो है जहाँ पे आपने रख रखा है बिल्कुल वहीं रखे रहने दीजिए, बस ठंडी हवा इसको ना मिले। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मैंने इसको इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारियाँ दे दी हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे थोड़ी भी आपको हेल्प मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नीतीश कुकिंग वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक और नए प्लांट के बारे में और बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के बारे में। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।